तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम कक्षा नवी का आपका गणित विषय का पूरा ब्रिज कोर्स यहां पर हल करने वाले हैं। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता ही होगा कि इस बार आपका जो त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर होगा गणित विषय का, इसमें अधिकतर ब्रिज कोर्स ही पूछा जाएगा। क्योंकि देखिएगा, ब्रिज कोर्स आपको स्कूल से मिल गया होगा और आपके टीचर ने इसको हल भी करवा दिया होगा, मगर प्यारे विद्यार्थियों आपको अपने इस ब्रिज कोर्स में ये पता नहीं होगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपसे इसमें से पेपर में पूछी जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आप सभी को आपके इस ब्रिज कोर्स में से ऐसे ऐसे सवाल बताने वाला हूं जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो आप सभी को ये ब्रिज कोर्स जो है 2023-24 का मिल गया होगा, मगर कई कई स्कूलों में ऐसा भी हुआ है कि उनको पुराना ब्रिज कोर्स दिया गया है, तो इससे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुराना वाला ब्रिज कोर्स जो है वो भी इस साल आपका चल जाएगा, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि ब्रिज कोर्स में से आपसे कक्षा नवी गणित में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप भी चाहते हो कि गणित में आपके पूरे में से पूरे नंबर आए, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाएं, क्योंकि मैं यहां से आज आप सभी को ब्रिज कोर्स का पूरा सॉल्यूशन भी देने वाला हूं और इसी के साथ में आपको यह भी बताने वाला हूं कि इस ब्रिज कोर्स में से कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपके इस ब्रिज कोर्स में से कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जा रही है। तो देख सकते हो इस प्रकार का आपका ब्रिज कोर्स है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इतने टॉपिक आपको इसमें से कवर करने होंगे, गिनती पहाड़े, योग और जमा करना, घटा और व्यकलन, संक्रिया, गुणा, भाग, पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, अनुपात, और ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें कवर करनी होंगी। मगर मैं यहाँ पर आपको ये भी बता रहा हूँ, कक्षा नवी में अगर आप पढ़ते हो तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ आपके पेपर का। और मैं यहाँ पर आपका बता देना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि आपका जो गणित विषय का पेपर होगा वो 80% पेपर आपका इसी ब्रिज कोर्स में से बनाया जाएगा। जी हाँ, 70 से 80% तक आपका जो पेपर होगा वो पूरा का पूरा ब्रिज कोर्स में से ही बनकर आने वाला है। तो इसलिए आप अगर चाहते हो कि आप इतने से भी ज़्यादा नंबर अच्छे से लेकर आए, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाइएगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ से समझ लेनी चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर कार्यपत्रक एक लिखा है, जिसमें कि दिया गया है नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखो। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये तो बिल्कुल ही सरल चीज़ है, आप स्वयं इसको कर सकते हो। जैसे कि ये लिखा 57, तो देखोगा 57 कैसे लिख सकते हो आप, 57 इस प्रकार से लिख लोगे, तो ये तो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद में इसी में संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है, इसमें से कैसे आपको लिखना होगा, यहाँ पर निवासी लिखा है, यहाँ पर फिर 10 कम हो गए। देखिएगा यहाँ पर आपको क्या, इनको घटते क्रम में लिखना है, ये जो संख्या लिखी गई है ना, इनको आपको घटते क्रम में लिखना है। तो देखिएगा सबसे पहले आप लोग ये देख ले सबसे बड़ी बड़ी कौन सी है, घटते हुए क्रम में सबसे बड़ी पहले आएगी, फिर उससे छोटी आएगी, फिर उससे छोटी आएगी। अगर इसमें देखा जाए सबसे बड़ी 97 है, तो एक नंबर पर यह आ जाएगी। 97 से छोटी अगर संख्या देखी जाए तो कौन सी है, 97 के बाद में छोटी वाली संख्या ये है 89, और 89 के बाद में ये तीसरे नंबर पर यह आ जाएगी, और इसके बाद में आपकी चौथे नंबर पर यह आ जाएगी, और पाँचवें नंबर पर यह आ जाएगी। तो इस प्रकार बाकी के भी आप लोग यहाँ से देख कर लें। रिक्त स्थान में क्या भरना है, टोटल ये आपको 15 से लेके 15 में 7 का गुणा करके लिखना है यहाँ पर। तो आप सभी लोगों को पता है 15 7 कितना होता है, 15 7 105 होता है, तो यहाँ पर आपको 105 इस प्रकार से लिख लेना है। तो एक गुणा वाला सवाल जो ये रहा प्यार विद्यार्थी, तो ये बिल्कुल आपके लिए पेपर के लिए मोस्ट टाइम पे, मैं आपको बता देता हूँ ये बिल्कुल आपसे पेपर में पूछा जाएगा, तो आप लोग यहाँ से इसको समझ लें। चलिएगा कैमरे के एंगल थोड़ा सा मैं पास कर देता हूँ ताकि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ सके। तो आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे पूरा। अब इसके बाद में बाकी की चीज़ों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बाकी आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या सारी चीज़ें दी गई है आपको मैं बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो दिया गया है, ये जो सवाल है ये भी बिल्कुल सरल है, नीचे लिखी संख्याओं को योग कर लिखिए। तो ये योग तो आप आराम से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो अगर देखा जाए तो ये 34वें-5वें स्तर का पूरा गणित है, मगर क्या किया गया प्यारे विद्यार्थियों, किस बार आपके जो ब्रिज कोर्स में से पेपर बनाए जा रहे हैं, पिछले 2 सालों से आपके ब्रिज कोर्स में से पेपर बनाए जा रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि पहले 8वीं बोर्ड परीक्षा नहीं होती थी, और अभी भी शायद उसको लागू किया गया मगर इतना अच्छे से उसको लागू नहीं किया गया है। तो इस वजह से काफी सारे बच्चे कमजोर रह जाते थे, तो उसको कवर करवाने के लिए फिर ये इस ब्रिज कोर्स को लागू किया गया था। अब चलिएगा यहां से इन सवालों को भी समझ लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर ये वाला सवाल वेरी मोस्ट है, आपके पेपर में बिल्कुल आएगा। ये क्या लिखा है, रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो बताइए रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फी बांटी। तो देखिएगा आपको कुछ भी नहीं करना प्यारे विद्यार्थी, 350 ग्राम और 225 ग्राम इन दोनों को जोड़ देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ना तो आपको वैसे ही आता है, 0 में 5 जोड़ा तो 5 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़ा तो 7 हो जाएगा, और 3 और 2 जोड़े तो कितना आ गया, 5। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, अतः रीटा ने कुल, यहाँ पे ये लाइन जरूर आपको लिख कर आनी पड़ेगी, नहीं तो नंबर एक कट जाएगा। अतः रीटा ने कुल 575 ग्राम बर्फी बांटी,
तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग लिख लें। अगला ये दिया गया है, ये भी वेरी मोस्ट है, आप सभी लोग इसको भी कर सकते हो। सोनू सुबह लंबी सैर पर गया, वे 840 किलोमीटर साइकिल से और 15 किलोमीटर पैदल चला। तो बताइए सोनू कुल कितनी दूरी तय किया। तो इसमें भी आपको 140 में 15 को जोड़ना। इसी टाइप के बिल्कुल सिंपल से सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और एक ये वाला देख सकते हो, ये वेरी मोस्ट है, सूरज ने एक किताब में 265 पन्ने पढ़ लिए, उसकी बहन मीना ने उसी किताब के 150 पन्ने पढ़ लिए। तो बताइए दोनों ने मिलकर कितने पन्ने पढ़े। तो कुछ भी नहीं करना आपको, 265 में 150 को जोड़ देना है, सिंपल सी बात है। 265 ये लिखा, 150 ये लिखा, दोनों को जोड़ दिया। तो इस प्रकार से आप लोग इसको भी कर लें। और बाकी की ये चीज़ें दी गई है जो कि बिल्कुल ही सरल चीज़ें हैं, आप सभी लोग इनको देख सकते हो। और इसके बाद में एक ये वाला जो सवाल है वेरी मोस्ट है प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला सवाल का दिया गया, सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से और 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से टी की यात्रा में तय की गई दूरी कितनी है। तो देखिएगा ये आपको बताना, दोनों को जोड़ देना है, ये इसका आंसर आ जाएगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये ब्रिज कोर्स आपको मिल गया होगा, और अगर नहीं मिला है तो आप लोग टीचर से रिक्वेस्ट करके इसको प्राप्त कर लें, चाहे कोई सा पुराना उठा लें, इसमें से ही आपके पेपर अधिकतर बनाए जाएंगे। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ और आगे की चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर तो आप सभी को घटाव वगैरह सारी चीज़ें दी गई है, बिल्कुल ही सरल है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इन चीज़ों को तो आप स्वयं भी कर सकते हो। और देखिएगा यहाँ पर कुछ ये क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि वेरी मोस्ट है, आगे की चीज़ों को देखें तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं वेरी मोस्ट प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। एक ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, क्या लिखा है, 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया, बताइए शेष कपड़ा कितने मीटर बच गया। तो देखिएगा ये घटाव वाले सवाल हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, 250 मीटर कपड़ा था, उसमें से आपको 140 को घटा देना है, इसमें से आपका उत्तर आ जाएगा। कितना उत्तर होगा, जीरो में से जीरो गया जीरो, पाँच में से चार गया तो एक बच जाएगा, दो में से एक जाएगा तो एक बच जाएगा, तो इसका 110 आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में एक ये वाला जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वेरी मोस्ट है आप सभी की त्रैमासिक परीक्षाओं को लेकर, इसको भी आप लोग समझ लेंगे। एक पुस्तक में कुल 324 पन्ने हैं, रमा ने 243 पन्ने पढ़ लिए, तो बताइए रमा को अब कितने पन्ने पढ़ना शेष है। तो देखिएगा 324 टोटल पन्ने थे, 243 पढ़ लिए, तो आपको क्या करना है, 324 में से 243 को घटा देना है, तो ये आंसर आ जाएगा। सीधी सी बात है, चार में से तीन जाएगा एक बच जाएगा, और फिर चार में से बारह, दो में से चार नहीं जाएगा तो इसको 12 मान लिया, 12 माना तो इसमें से क्या गया, 8 बच जाएगा। इसके बाद में इसने इसको एक हासिल इधर दे दिया था, यहाँ पे दो है, अब दो में से दो जाएगा तो 0 बच जाएगा, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से देख लेंगे, अभी क्या हुआ, 324 पन्ने थे उसमें से 243 उसको पढ़ने थे, तो इस प्रकार से इसमें आपको जोड़ नहीं करना है, घटाव करना था, 81 इसका राइट आंसर आ गया। अगला, एक डिब्बे में 576 किले हैं, अगर 280 किलो का उपयोग हो गया तो अब कितने किले बची। तो सिंपल सी बात है, 576 में से 280 को आप लोगों को यहाँ पर घटा के लिख देना है, बिल्कुल आपका पेपर वैसे सरल ही आएगा प्यारे विद्यार्थियों, वैसे कोई ज़्यादा कठिन पेपर आपका आने वाला नहीं है। और आप सभी लोगों से, अगर आप लोग अपने गणित विषय में पूरे नंबर चाहते हो तो आप इसके लिए ये जरूर करें कि आपके पास में जो ब्रिज कोर्स दिया गया है इसका पूरा सॉल्यूशन आप लोग तैयार कर लें। तो देखिएगा बाकी चीज़ें ये यहाँ पर बताई गई है, ये गुणा वाले सवाल है, इनको भी आप लोग देख लेंगे। अब इसके बाद में देखिएगा ये कुछ सवाल यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हो, यदि एक दूध के डिब्बे में 50 लीटर दूध आता है तो बताइए चार डिब्बों में कितना दूध आएगा। तो देखिएगा एक दूध के डिब्बे में कितना दूध आता है, 50 लीटर, अब चार डिब्बों में कितना आएगा, तो इसके लिए आपको चार से इसमें गुणा कर देना है, तो क्या आएगा, इसका गुणा होगा तो कितना उत्तर आ जाएगा, 200 लीटर। तो इस तरह से बाकी की चीज़ों को आप लोग यहाँ से हल कर लेंगे पूरा का पूरा। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक ये वाला क्वेश्चन जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप सभी लोग इनको अच्छे से हल कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार एक लीटर छाछ 11 रुपये में बेचता है, एक महीने में वे 210 लीटर छाछ बेचता है, वे महीने में कुल कितना कमाता है। तो देखिएगा एक क्या करता है, सबसे पहले तो आपको इसमें क्या करना होगा, एक लीटर छाछ कितने की बेचता है, 11 रुपये की, ठीक है। अब आगे लिखा, एक महीने में 210 लीटर छाछ को वो बेच लेता है, कितनी छाछ बेचता है, 210 लीटर, और एक महीने में वो कुल कितना कमाता है। तो देखिएगा एक महीने में छाछ बेची उसने 210 लीटर, एक लीटर छाछ का मूल्य 11 रुपये, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 11 से इसमें गुणा कर लेना है। 11 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 11 का फाड़ा 0 बार तो 0, 11 का फाड़ा एक बार तो 11, 11 की एक और हासिल आई एक, 11 दोनी 22 और 22 एक, 22 और एक कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से 11 दूनी 22 और एक कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, तो 2310 रुपये इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से इस प्रकार से आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, एक कंपनी में एक लीटर, ये वाला आप लोग ना करें, ये इस बार अभी आपसे त्रैमासिक में नहीं पूछा जाएगा,
अब इसके बाद में बाकी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि ये लिखा है, ये वाला वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए। सुवानी अपने बचत बैंक खाते में प्रतिमाह 2750 रुपये जमा करती है, 3 वर्ष पूरे होने पर वे कुल कितनी राशि जमा प्राप्त कर चुकी होगी। तो सिंपल सी बात है, 2750 में आपको 3 का गुणा कर देना है, ठीक है। प्रतिमाह तो इतना करती है, 3 वर्ष में कितना करेगी, तो देखिएगा इसके लिए आपको क्या करना होगा, 3 का गुणा नहीं करना होगा। वैसे आप लोग ये करें कि इसमें 12 का गुणा कर लें, कितने का, 12 का, क्योंकि एक महीने में, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो पहले आप लोग 12 का गुणा कर लें और फिर उसका 3 से गुणा कर दें। तो इस प्रकार से, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप लोग इसमें सीधा सीधा 48 का गुणा कर सकते हो, तो इस प्रकार से आप लोग इसको कर लेंगे। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बाकी की चीज़ों के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आप सभी से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, एक माली 458 सेब के पेड़ खरीदे, वे हर लाइन में 15 पेड़ लगाना चाहता है, वे कितने लाइनों में पेड़ लगाएगा और कितने शेष पेड़ बच जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए आप लोग 458 पेड़ है टोटल, ठीक है, और कितने हर लाइन में कितना पेड़ लगाना चाहता है, वो 15 लाइन है ना, वो कितनी लाइनों में पेड़ लगाएगा। लाइनों की संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना है, इसमें भाग दे देना है। तो देखिएगा 15 एकम 15, 15 तो 29, 15 दिया 45, तो 3 बार में तो यहाँ पर 45 आ गया, घटाया तो क्या क्या बच गया, 0 0, और यहाँ पर 3 लाइनों में पेड़ लग जाएंगे तो 8 पेड़ बचेंगे। इस तरह से कितने पेड़ बचे, 8 यहाँ पर उतार लिए हमने, तो ये भागफल ये आया, शेषफल ये आया। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाला वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा क्या लिखा है, देख सकती हो। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, हर कमरे में 4 पौधे हैं, अगर हर पौधे को 2 कप पानी चाहिए तो सभी पौधों को कितने पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले तो ये देख लो आप, 26 कमरे में 4 पौधे हैं, तो सबसे पहले हमें पौधों की संख्या पता करने के लिए 26 में 4 से गुणा कर देना है। तो क्या होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 4 का गुणा किया हमने 6 से, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चुक 16, 16 की देखिएगा 4 चुक 16, 4 पंच 20, 4 छंग 24, 24 की यहाँ पर आ गई 4 और हासिल आई 2, इसके बाद में 4 दूनी 8 और 8 के बाद में 9 और 10, तो ये आ गया 104। तो टोटल 104 पौधे हैं और एक पौधे को 2 कप पानी चाहिए, तो सभी पौधों को कितने पानी की ज़रूरत होगी। तो इसमें 2 का गुणा कर दें, 2 का गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 0 होगी और ये 2 होगा, तो कुल 208 कप पानी लगेगा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को भी देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको टोटली क्या करना है कि आपका जो ब्रिज कोर्स दिया गया है इसका पूरा सॉल्यूशन आप लोग देख लें, इसमें से कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, पूरा का पूरी ये सारी चीज़ें आपसे त्रैमासिक परीक्षा में पूछी जाएगी। और देखिएगा ये भी आपको पूछा जाएगा, दिए गए भिन्नों के अनुसार आकृति को छायांकित कीजिए, जिसमें लिखा 1/4, उसमें 1/4 में आपको क्या करना, एक भाग को ऐसा काला कर देना है, जिसमें लिखा 3/4 तो उसमें आपको क्या करना, 3 भाग को ऐसे काला कर देना है। और इसके बाद में देखिएगा जिसमें लिखा 4/4 तो उसमें 4 भाग को आपको ऐसे काला करना पड़ेगा, उसके बाद में जिसमें लिखा 3/4 तो उसमें से 3 भागों को आप लोगों को काला करना पड़ेगा। तो सिंपल ये तो आप स्वयं भी कर लोगे, और वैसे कक्षा 5वीं में भिन्न सिखाई जाती है, और देखिएगा बाकी चीज़ें ये यहाँ पर दी गई है, आप लोग इनको भी समझ लेंगे। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बाकी की चीज़ों को भी देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इसको पूरा देखते चलें, और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है पूरा का पूरा ब्रिज कोर्स आपसे इसी प्रकार से त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जा रहा है, आप सभी लोग इन जो क्वेश्चन दिए गए हैं, राम को कक्षा 9वीं में वार्षिक में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए, बताइए राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो कुछ भी नहीं करना प्यारे विद्यार्थियों, 600 क्या करना है यहाँ पर आप लोग देख लें, 480 क्या अंक प्राप्त हुए उसको, ठीक है, और इसमें से आपको क्या निकालनी है इसकी परसेंटेज। तो देखिएगा परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप सभी को इसमें सीधा सीधा किसका भाग दे देना है, देखिएगा आपको ये करना है, इसमें मैं यहाँ पर बता दूँ 480 में से आपको इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो देखो परसेंटेज निकालने के लिए 100/600 को आप लोग लिख लें, अब 600 में से ये तो इस तरह से कट गया, अब हम क्या करेंगे 480 में 6 का भाग देंगे, तो 6 का भाग कैसे जाएगा 480 में, यहाँ पर देखिए आप लोग 480 और भागित 6 देंगे, तो 6 कम 6, 6 दून 12, 6 3 18, 6 चुक 6, 6 5 3, 6 9 36, 6 7 42, 6 8 48, तो ये आ गया 48। और इसके बाद में इसमें से घटाया गया तो 0 0 बचा, 1 0 यहाँ पर है यहाँ उतार ले और 1 यहाँ पर लगा दे, तो इसलिए उसके कितनी परसेंट बनी, 80% बनी। तो जब भी परसेंटेज निकालनी हो आपको क्या करना है, आपको इस तरह से करना है, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर उससे भी सरल तरीका, देखो टोटल पेपर कितने नंबर के थे, 600 नंबर के, तो टोटल 600 में से कितना लेके आया 480, तो यहाँ पर आप लोग लिख लो 600/480 और गुणा 100, इससे तुम्हारी परसेंटेज निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर लें, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 6 का भाग इसमें दे दिया, तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
और बाकी चीज़ें समझते हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपसे पूछी जा रही है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं चाहता तो पूरा का पूरा एक एक चीज़ें आपको यहाँ पर इसकी बताता, मगर इससे वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाएगा और फिर लंबे वीडियो जो होते हैं उनको आप भी देखना पसंद नहीं करते हो। तो इसलिए आप सभी को तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अब त्रैमासिक परीक्षाओं को बहुत ही कम समय बचा है, आप सभी लोग अपने इस ब्रिज कोर्स को पूरा कंप्लीट कर ले जिससे कि आप सभी लोग अपनी त्रैमासिक परीक्षाओं में पूरे नंबर ला सको। और अंत में एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको प्यारे विद्यार्थियों कि परिमाप वाले सवाल बिल्कुल आपसे पूछे जाएंगे। परिमाप ज्ञात करना क्या बिल्कुल ही सरल होता है, जैसे कि आपको इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, 4 को 6 को और 5 को जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, 4 + 6 + 5 दोनों को जोड़ो, 4 और 6 10 हो गए और 5 15 हो गए, तो इसका परिमाप कितना होगा, 15 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर इसका परिमाप का बोला है तो सारी जो यहाँ पर लिखी गई इन सभी को जोड़कर लिख दो। कैसे, देखो 5 और 5 जोड़े तो 10 हो गए, है ना, और इधर कितना है, 6 है, 6 कितनी बार है, 1 2 3, इनको अगर जोड़े 6 × 6 = 12, 6 × 18 = 18 और 10 = 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लें, 6 + 6, पहले ये लिखा फिर ये लिख लिया और फिर इसके बाद में ये लिख लिया 5, इसके बाद में फिर ये लिख लिया 6 यहाँ पर और उसके बाद में फिर ये लिख लिया 5। तो इस प्रकार से अगर इन सभी को जोड़ेंगे अपन, देखो यहाँ पर कितने, 1 2 3 तो 6 थे, तो देखो हमने इसको जोड़ा फिर इसको जोड़ा, चलो यहाँ करते हैं अपन, 6 + 6 + 5 + 6 + 5, इन सभी को जोड़ लें, उत्तर आ जाएगा इसका। तो इस प्रकार से ये परिमाप वाला जरूर सवाल आपसे पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी में से परिमाप आप लोग निकालना जरूर सीख लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आप सभी को पूरा का पूरा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दे दिया है, आपका जो गणित विषय का ब्रिज कोर्स है उसका, आप स्वयं इसको अच्छे से हल कर लें। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपके स्कूल टीचर जो है उनकी भी मदद आप लोग इसमें ले सकते हो। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एकमात्र हमारे चैनल पर ही आप सभी को 101% प्यारे विद्यार्थियों पूरे के पूरे पेपर भी बताए जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ में आपको यहाँ पर आपके जो किस प्रकार से आप लोग इन पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हो उसके लिए पूरी तैयारी आपको इसी चैनल पर करवाई जा रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहीं भटके नहीं, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप लोग करके रखोगे तो उससे यह होगा जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन बराबर पहुंच जाएगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।